भेंट मुलाकात युवाओं के साथ कार्यक्रम में शामिल होने मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित सांसद दीपक बैज भी मौजूद रहे। अंबिकापुर मुख्यालय के पीजी कॉलेज हॉकी स्टेडियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात युवाओं के साथ कार्यक्रम में भारी जोश के बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि, सरगुजा संभाग के 6 जिलों के युवाओं के बीच मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण एवं राजगीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। बात कही कि महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा 12वीं के बाद बच्चों के पास रोजगार होना चाहिए और पूरे देश में हमने एक नवाचार किया। छत्तीसगढ़ में जो 10वीं पास करेंगे तो 11वीं और 12वीं में उसी के साथ 11वीं में आईटीआई भी प्रशिक्षण हम देंगे, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होगा और 12वीं पास करते करते उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट होंगे, एक 12वीं का और दूसरे आईटीआई का। तो इसमें ये दूसरा साल है, हमने अभी सर्टिफिकेट बांटा और इसको भारत सरकार भी अपनाना चाहती है, ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। उसी प्रकार से प्रदेश के 36 जो आईटीआई है उसको हम लोग उन्नयन करने के लिए अभी टाटा से एमयू हम लोग किए हैं और उसमें करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि हम लोग खर्च करेंगे ताकि नया जो पुराने जो ट्रेड है उसके साथ साथ नए ट्रेड जो आज दुनिया में जिसकी डिमांड है, देश में जिसकी डिमांड है, वो सारे ट्रेड हम उसमें खोलेंगे ताकि 10,000 लोगों को उससे जॉब मिलेगा। आप लोगों ने देखा अभी 41,000 पदों की भर्ती हो रही है और इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कई कई सब्जेक्ट में आवेदन करते हैं और जो फीस है व्यापम की और पीएससी की वो बहुत अधिक होता था, तो फिर सोचते थे कि मैं इसमें परीक्षा दिला देता हूं, इस पद में परीक्षा नहीं दिलाता। लेकिन जब से हमने निर्णय लिया है पीएससी और व्यापम के परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लगेगा तो लाखों बच्चे इसमें भाग लिए और बच्चों के 32 करोड़ रुपए कम से कम बच गए। जैसे हम लोग इधर आ गए थे लेकिन उसको दे दीजिए। हाँ बोलिए। जय जोहर काका। जय जोहर काका, मोर नाम राहुल साहू है। जी साहू जी। और मैं फिशरीज कॉलेज कवर्धा से पढ़ाई किया हूँ। कवर्धा से? जी 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 सर। यहाँ कहाँ आ गए? दूर संभाग वाले। मेरा घर यही सर, पढ़ाई वहाँ से किया था। अच्छा सर, 4-5 साल हो गए हम लोग का पोस्ट नहीं निकल रहा है। हाँ। और उससे पहले हर साल पोस्ट निकलता था। ठीक है सर, बहुत बार हम लोग घूम चुके हैं। अभी क्या हुआ, जब लगातार हम लोग पोस्ट निकालना शुरू किए ना, जी जी, तो मुझे कुछ लोग मैसेज भेजे कि इतना जल्दी जल्दी मत करो भाई, थोड़ा रुक के करो ताकि हम लोग तैयारी कर लें। एक की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, दूसरा आप वैकेंसी खोल देते हो, तो इसके कारण से थोड़ा सा रोका गया है। एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, सब में वैकेंसी खोलेंगे। हाँ थोड़ा धैर्य रखिए। मोर शादी नहीं हो पाते काका, नौकरी नहीं लगी। धन्यवाद काका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तोर पर मतलब नौकरी भी जाना, तोर पर छोकरी हूँ खोजान नहीं मिला सर। हाँ ठीक, चलो आगे बढ़ो भाई। हेलो 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 जी। राम राम। राम राम काका। राम राम। सब उजलना। जय जोहर। जय जोहर। मैं लालजी यादव, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, शासकीय रेवती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर में पढ़ाई करत हो काका। जी। मैं हर काका कराटा में इंटरनेशनल और उसू में नेशनल खेले हो काका। वाह खूब बधाई। 6 राज्य स्तरीय खेले हो काका। जी। मोरे फिर योग कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाता है, थोड़ा सा मेडिटेशन और समय मिल गया तो अच्छी पुस्तकें पढ़ना, खासकर महापुरुषों की जीवनी उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू कक्का। हाँ? खबर मैं आ रही हूँ कक्का। जय जोहार। मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय बतौली की छात्रा पीएससी अंतिम वर्ष की हूँ। मैं मेघा पटेल जी, महाविद्यालय बतौली से हो जी। बताओ। हमारे महाविद्यालय यूजी महाविद्यालय है महोदय जी। हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे महाविद्यालय में
पीजी की कक्षाएं प्रारंभ करें। महोदय, हमारे महाविद्यालय में सभी विषयों के शिक्षक की नियुक्ति आपने कर दी है महोदय, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। पीजी शुरू करना है जी महोदय। हमारे कॉलेज में एमए हिंदी, एमए ज्योग्राफी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री की कक्षाएं प्रारंभ करें महोदय। आपसे मेरी एक छोटी सी मांग है जिसको आप जरूर पूरा करने का कष्ट करेंगे महोदय, धन्यवाद। अच्छा ये बताओ, ये इतनी छोटी है तो बड़ा क्या है महोदय? आपने अभी जिला मुख्यालय में पीजी खोलवाने का घोषणा की है महोदय। अच्छा, कुछ पीजी क्लास आप शुरू कर सकते हैं जी महोदय। बीएससी की पीजी और बीए की पीजी खोलवाने का कष्ट आप बजट में लेना पड़ेगा बेटा, उसके लिए थोड़ा ज्यादा लगेगा। अगले साथ ही जरूर कर देंगे। अरे रुक जा भाई, एक ही जगह एक ही माइक में सब लोग पकड़ के रहो, कैसे होगा? दूसरे लोगों को मौका दो। अच्छा चलो, इधर वाले बोलो, इधर इधर वाले।